हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनके क्लास। और इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज और हाइड्रोलाइसिस ऑफ माल्टोज के बारे में। तो तीनों ही हाइड्रोलाइसिस हम एक ही वीडियो में समझने वाले हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइस, अगर हाइड्रोलाइसिस में लैक्टोज की बात करूं तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो लैक्टोज का फॉर्मूला होता है वो गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। एक लिंकेज के थ्रू ये दोनों ग्रुप जो होते हैं जुड़े होते हैं। और ये जो हमारा फॉर्मूला है, आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लीजिएगा और ध्यान से अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे कि आप भूल ना सकें। और जब इनका जो लैक्टोज का इन एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस जब कराते हैं तो ये क्या होते हैं कि डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज में टूट जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब ये डाइसेक्राइड है तो डाइसेक्राइड का जब हाइड्रोलाइसिस कराता है तो वो हमें दो मॉलिक्यूल देता है मोनोसेक्राइड का। क्योंकि डाइसेक्राइड जो होते हैं दो मोनोसेक्राइड से मिलकर बने होते हैं, और इसीलिए जब डाइसेक्राइड का हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है, ब्रेकडाउन कराया जाता है, तो दो मोनोसेक्राइड्स में टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये लैक्टोज का फॉर्मूला है। इस प्रकार का ये लिंकेज के साथ गैलेक्टोज और ग्लूकोज के साथ ये जुड़ा होता है लैक्टोज, और इसका हाइड्रोलाइसिस कराने पर ये डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज में टूट जाते हैं। तो स्ट्रक्चर आप अच्छे से उतार लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे बात करती हूँ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज की। तो गाइस, ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर है, आप देख लीजिए दोनों ग्रुप को ये किस प्रकार से बने हैं। अच्छे से बना के प्रैक्टिस कीजिएगा। और इनके साथ ये दोनों ही समूह जो दोनों ग्रुप होते हैं वो ग्लाइकोसिटिक लिंकेज के साथ जुड़े होते हैं। और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये सुक्रोज का है। और जब इस सुक्रोज को हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये भी एक प्रकार का डाइसेक्राइड है, क्योंकि ये दोनों ही हाइड्रोलाइसिस के थ्रू क्या दे रहे हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, जो कि दोनों ही एक मोनोसेक्राइड है। तो इस डाइसेक्राइड मतलब सुक्रोज एक प्रकार का डाइसेक्राइड है। इसका हाइड्रोलाइसिस कराया हमने तो मोनोसेक्राइड्स के टू मॉलिक्यूल्स हमें प्राप्त हो गए। ठीक है, तो आप अच्छे से इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उतार लीजिए। अगर हाइड्रोलाइसिस माल्टोज की बात करूं तो ये इसका स्ट्रक्चर है, आप देख लीजिए अच्छे से बना लीजिएगा। ये स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा माल्टोज का, और ये अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ जुड़े होते हैं ये दोनों ग्रुप, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर माल्टोज का है। और जब इसका हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें टू अल्फा डी ग्लूकोज देते हैं। क्या देते हैं, दो अल्फा डी ग्लूकोज हमें प्राप्त होता है। ठीक है, दो अल्फा डी ग्लूकोज हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया हाइड्रोलाइसिस ऑफ माल्टोज, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।